नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज के दिन में हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। कुमार कार्तिकेय को ही भगवान स्कंद के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं जिनमें से माता ने अपनी दो हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। साथ ही में एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे हुए अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी भी माना जाता है। आज के दिन माता दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय को पढ़ना चाहिए। इस दिन माँ को केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। आज के दिन में माँ को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। धन प्राप्ति के लिए जान लीजिए क्या उपाय कर सकते हैं। हर श्रृंगार के फूल लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आज के दिन अपने विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र को बैलेंस किया जाता है। इस चक्र को ब्लू चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र हमारी क्रिएटिव पहचान बनाने के लिए होता है। विशुद्ध चक्र के संतुलित होने से हम खुद को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को सामने रख पाते हैं। इस मंत्र का इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप हम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं राशियों की। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। द हैंग्ड मैन एंड द हायरोफेरेंट कार्ड निकलता है मेष राशि वाले लोगों के लिए। तनाव बढ़ सकता है आप लोगों के लिए। साथ ही में परिवार और दोस्तों के बीच मनमुटाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे परेशानी हो सकती है, तो कोशिश करें किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। व्यवसाय में लाभ आज कम होगा, बहुत उम्मीदें नहीं लगानी है। संडे का दिन है, आज भगवान विष्णु की उपासना करना। साथ ही में आप सुबह उठ करके सूर्य को जल देना काफ़ी लाभकारी रहेगा आपके लिए। चलिए बात करेंगे टॉरेंट्स की। पहला कार्ड थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकलता है, द रिवर्स कार्ड। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है आज वृषभ राशि वाले लोगों को। साथ ही में आपको कोई पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज लाल रंग की कुमकुम से तिलक लगा करके दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए मिथुन राशि, पहला कार्ड नाइन ऑफ वॉन्स एंड सेवन ऑफ वॉन्स रिवर्स कार्ड। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात संभव है जो कि भविष्य में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आज के दिन में उपाय क्या करना है, लाल रंग की कुमकुम को तांबे के लोटे में जल के साथ मिला करके सूर्य को जल देंगे। कर्क राशि, पहला कार्ड फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। साथ ही में व्यवसाय में बहुत ज़्यादा उम्मीदें आज नहीं लगानी। हालांकि धन प्राप्ति के योग है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसी के साथ उपाय क्या करेंगे, तो कर्क राशि वाले लोगों को आज के दिन में किसी भी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। चलिए सिंह राशि, पहला कार्ड द किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड फोर ऑफ कप्स निकलता है, तो नौकरी में पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही में कहीं ना कहीं पे आप अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चलेंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज उपाय क्या करेंगे, आज लाल रंग की चुनरी किसी भी छोटी कन्या को देना काफी अच्छा रहेगा। चलिए कन्या राशि, पेज ऑफ सॉज एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड निकलता है, तो कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत बन रहे हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं पे फाइनेंसिस में भी बेटरमेंट के योग बन रहे हैं। आज संडे का दिन है, किसी भी मंदिर में जाकर के लाल रंग के कपड़े में बांध करके गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। तुला राशि, पहला कार्ड सिक्स ऑफ सॉज एंड सेकेंड कार्ड इज एट ऑफ सॉज। आप लोगों के लिए मन प्रसन्न रहेगा, प्रतिकूल स्थितियों पर विजय मिलेगी आप लोगों को। साथ ही में व्यवसाय में भी धन लाभ के योग हैं, घर में खुशी का माहौल रहेगा। तो कुल मिलाकर दिन काफ़ी अच्छा है लिब्रंस के लिए। छोटा सा उपाय करना है, आज किसी भी मंदिर में जाकर के जो पुजारी जी हैं उनको खड़ाऊँ आपको दान करने हैं। वृश्चिक राशि, पहला कार्ड द डेविल एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स, तो आत्मबल बढ़ेगा आप लोगों के लिए, विरोधी भी आपके परास्त होंगे। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा, व्यवसायिक लाभ और साख बढ़ेगी आप लोगों के लिए। उपाय करना है, आज के दिन में माँ स्कंद माता की उपासना करनी है और दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय का पाठ करना है, आपके विरोधी खत्म होंगे। धनु राशि की बात कर लेते हैं, द टार एंड द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है। नौकरी में सम्मान बना रहेगा, राजकाज में सफलता मिलेगी, साथ ही में व्यवसाय में भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। घर में शांति का माहौल रहेगा, कहीं ना कहीं पे जो आसपास के लोग हैं वो आपको सहयोग भी करेंगे।
उपाय करना है। आज कुछ समय अपने लिए निकाल करके मेडिटेशन ज़रूर करें, साथ ही में नमक के पानी से ज़रूर स्नान करें। ऐसा करने से नेगेटिव थॉट्स खत्म होंगे। चलिए बात करेंगे मकर राशि। एट ऑफ पेंटाकल्स इन द चैरियट कार्ड निकलता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों से मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। अपनी बोलचाल में संयमता बना करके चले। व्यवसाय में लाभ होगा, मन लेकिन अशांत रह सकता है आपके कामकाज की वजह से। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए चंदन का तिलक लगा करके दिन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत करते समय माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करेंगे। चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। द एम्परर एंड फोर ऑफ वांड्स कार्ड निकलता है। उत्साह में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आज के दिन में कार्य विशेष में सफलता मिलेगी आपको, साथ ही में नौकरी में मन लगेगा। व्यवसाय की बात करें तो उसमें भी धन लाभ हो रहा है। छोटा सा उपाय करना है, आज सूर्य को जल देना है और ओम ऋणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मीन राशि, पहला कार्ड किंग ऑफ सॉल्स एंड द डेथ कार्ड, तो आप लोगों के लिए धर्म कार्य में रुचि रहेगी। चली आ रही चिंताओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। व्यवसाय की बात करी जाए तो उसमें लाभ की स्थितियां बन रही हैं, साथ ही में आपको संतुष्टि मिलेगी अपने कामकाज से। आज के दिन में ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य को जल देना है, साथ ही में एक परिक्रमा भी लगानी है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, लेकर आऊंगी आपके लिए आपके दिन का हाल। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।